ये बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट आ रहा है। हम सब, मैंने शुरू में कहा था कि सुबह से लेकर रात तक मुख्तलिफ टाइम के पीरियड से गुजरते हैं जहां हमारा एनर्जी लेवल डिफरेंट होता है। कोई बंदा सुबह का टाइम ज्यादा एनर्जेटिक होता है, कोई शाम को एनर्जेटिक होता है, कोई दोपहर को एनर्जेटिक होता है, ऐसा है ना? आपका एनर्जी साइकिल क्या है, हर एक का डिफरेंट, उसे एनालाइज करें। एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक आदमी सुबह 6 बजे उठता है, सोया हुआ है, आंखें मसल रहा है, जमाइयां ले रहा है, अंगड़ाइयां ले रहा है कि यार अभी बहुत, ऐसा ही होता है ना सुबह सुबह। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखें आपका एनर्जी लेवल अप हो रहा है, 8 बजे थोड़ा एक्टिव हो गए, नाश्ता रुश्ता किया, शेव वगैरह की, मेकअप किया, जो भी आप लोगों ने करना, करते करते बेहतर हो गया। जैसे 9:30-10 का टाइम आया, आप मुकम्मल एक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं, उस वक्त बड़े बड़े काम कर सकते हैं, ऐसा होता है ना आपके साथ भी? फिर वो जो एक्टिव लेवल है, एनर्जी का लेवल है, क्या वो सारा दिन सेम रहता है? कुछ देर के बाद वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, 50% पे आ गया, 70% पे आ गया, डाउन आ गया जी। फिर आप थोड़ा रेस्ट करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, किसी ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं जो एनर्जाइजिंग हो, फिर आपका लेवल थोड़ा अप होता है, फिर डाउन होना शुरू हो जाता है, ऐसा होता है? जरा अपना ग्राफ बनाइएगा कि आपका एनर्जी लेवल क्या है। एक और एग्जांपल दे देता हूं, पहले मसलन इसमें एग्जांपल कुछ और है, वो बंदा 6 बजे स्टार्ट होता है, उसका 12-1-2 बजे आप पहुंचता है लेवल जाके। अगर आप अपना साइकिल बनाएं तो ये देखिए कि सबसे ज्यादा प्राइम टाइम, जो आपका सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फिजिकल एंड मेंटल लेवल होता है, वो किस टाइम होता है, और उस टाइम को सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल, क्योंकि उस वक्त आप लोग अपनी पीक पर होते हैं। जरा अंदाजा करें कि आपका लेवल क्या है, फिर बताता हूं कि करना क्या है। ये जो बंदे हैं ना दो, एक की बैटरी डेड हुई है और एक की बैटरी फुल है, ये वो प्राइम टाइम की बैटरी है। आपको बात होकर ऐसा काम कहा जाता है जो एनर्जी मांगता है, आप थके हुए होते हैं, ऐसा ही है ना? बात खुद आम सा करने वाला काम आप अपने हाई एनर्जी टाइम में करने लग जाते हैं, और हाई एनर्जी टाइम में हाई प्रोडक्टिव काम करना चाहिए, लो एनर्जी वाला काम लो एनर्जी में करना चाहिए, ताकि अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकें। लो एनर्जी में क्या होना चाहिए? स्टाफ की मीटिंग, लोगों ने अपनी अपनी बातें करनी है, इधर उधर के काम होने हैं, करते रहे, मेल्स को चेक करना है, डाटा कलेक्ट करना है, रूटीन के काम जो है वो लो एनर्जी में हो सकते हैं। हाई एनर्जी में कौन से काम होते हैं? डीलिंग विद क्लाइंट्स, आपका क्लाइंट, आपका प्रोस्पेक्ट, मिलियंस का प्रोस्पेक्ट होता है, ऐसा है ना? तो क्या मिलियंस के प्रोस्पेक्ट को लो एनर्जी में मिलना चाहिए? ये हाई एनर्जी वाला काम है। अकाउंट रिस्पॉन्सेस, अकाउंट्स का ताल्लुक, पैसों का ताल्लुक, ये लो एनर्जी में करने वाला है कि हाई एनर्जी में करने वाला है? हाई एनर्जी में करने वाला है। डिसीजन मेकिंग, वो डिसीजन जो आपकी जिंदगी बदल डालते हैं, ये डिसीजन मायूसी के आलम में, थके हारे में, लो एनर्जी में करने चाहिए कि हाई एनर्जी में करने चाहिए? अब आज से अपना तजिया करना शुरू कर दें कि जिस वक्त आप जो काम कर रहे हैं वो उस एनर्जी लेवल के बराबर है या नहीं। जो डिसीजन करने जा रहे हैं उस वक्त एनर्जी लेवल कैसा है, जोश बलबला कैसा है उस वक्त, माली मामला तय करने जा रहे हैं तो एनर्जी लेवल क्या है? आम सा काम कर रहे हैं, डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, कितने लोग आए थे, कितने लोगों ने साइन किए थे, इनके नंबर उठा के फाइल में लगाने हैं, क्या इस काम के लिए भी हाई एनर्जी चाहिए? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लो एनर्जी वाले कामों में हाई एनर्जी को जाया कर देते हैं? ऐसा हो रहा है? तो आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। हाई एनर्जी में एंजॉय करने निकल जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आपने पर्सनल प्राइम टाइम को कंसीडर करें, कुछ लोगों का मॉर्निंग का टाइम है, कुछ लोगों का इवनिंग का टाइम है, कुछ लोगों का लेट नाइट, कुछ लोग नाइट बर्ड हैं, उनका दिन ही रात को 10 बजे शुरू होता है, 11 बजे शुरू होता है उनका दिन ना। तो जरूरी नहीं है कि सबका एक हो, अपना अपना एनर्जी का प्राइम टाइम देखें कि किस वक्त आप हाई एनर्जी लेवल पर होते हैं, और उस हाई एनर्जी लेवल पर आपने वो काम करने हैं जो हाई एनर्जी रिस्पॉन्स मांगते हैं, और लो एनर्जी में लो एनर्जी वाले काम करेंगे।